हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बिग बॉस हाउस के जरिए लोगों की ट्रेन करने वाली एक्ट्रेस सौंदर्या की लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका रियल नेम है सौंदर्या शर्मा। उनका निकनेम है सोनू। 9 सितंबर 1994 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है प्रीत बिहार, ईस्ट दिल्ली। उनका हाइट है 5 फीट 5 इंच और उनका वेट है 58 kg। उनकी फिगर मेजरमेंट है 34 26 33। उनकी जोडाइक साइन है वर्गो। साल 2022 में उनका रियल एज है 28। उनकी हॉबी है सिंगिंग। उन्हें पेट डॉग्स बेहद पसंद है, यहाँ तक कि उनके पास एक पेट डॉग है जिनका नाम है शेरू शर्मा। सौंदर्य फिटनेस के मामले में बहुत ही शौकीन है। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन के बारे में। उन्होंने ईस्ट दिल्ली की पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की है। उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने डेंटल स्टडीज में बैचलर डिग्री कंप्लीट की है। उन्होंने द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और द थिएटर कंपनी एक्ट 1 से फॉर्मल ट्रेनिंग ली है। आपको बता दें, सौंदर्या ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी है। उन्होंने सिंगिंग में एक डिग्री भी हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने द न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी और द ली स्टर्सबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट जैसी वर्कशॉप्स में भी पार्टिसिपेट की है। उनके प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक मॉडल और एक्ट्रेस है। चलिए देख लेते हैं उनकी करियर। उन्होंने साल 2015 में कॉमेडी ड्रामा फिल्म मिडोथिया गैंगस्टर से अपनी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने रांची डायरीज में गुड़िया का किरदार निभाया था। इस किरदार से ही वो रातों रात फेमस हो गई थी। साल 2019 में वो फैशन क्वीन और गर्मी में चिल जैसी म्यूजिक वीडियोस में नजर आई थी। एक्ट्रेस ने वेन यू डेट अ बनिया हिंदी शॉर्ट फिल्म में काम की है। साल 2020 में रक्तांचल मिनी सीरीज के साथ उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। इसके बाद वो ही स्टोरी ड्रामा सीरीज में रश्मि के किरदार में नजर आई थी। साल 2021 में इंस्पेक्टर अविनाश टीवी सीरीज में उन्हें पायल चौबे के किरदार में देखा गया था। फिलहाल उन्हें बिग बॉस 16 के हाउस से लोगों को एंटरटेन करते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं उन्हें अभी तक कितने अवार्ड्स मिले हैं। साल 2017 में रांची डायरीज में एक्टिंग करने के बाद उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट की कैटेगरी में झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया था। साल 2018 में उन्हें लोकमत मोस्ट स्टाइलिश सेवा अवार्ड दिया गया था। साल 2019 में फेस ऑफ द ईयर कैटेगरी में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पिता का नाम है नरेश शर्मा। उनका माँ का नाम है उषा शर्मा। उनका भाई है जिनका नाम है अविनाश शर्मा। उनकी एक बहन है जिनका नाम है मोना शर्मा। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो साल 2022 में वो सिंगल है और किसी को भी डेट नहीं कर रही है। चलिए जान लेते हैं उनकी सैलरी के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो बिग बॉस 16 के हाउस में पर वीक के तौर पर वो 4 लाख रुपए लेती है। उनका नेट और थे 10 करोड़। देख लेते हैं उनकी कार कलेक्शन। उनके पास स्कोडा एलिगेंस मॉडल की कार है जिसका कीमत है 22 लाख। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।